हेलो फ्रेंड्स, दिस इज हिमांशी एंड वेलकम टू लेट्स लर्न। तो आज हम बात करेंगे कि सीटेट या टेट एग्जाम है क्या और कैसे आप प्रिपेयर कर सकते हैं। बहुत सारे क्वेश्चंस रहते हैं इसके अराउंड जो हम डिस्कस करने वाले हैं। एग्जाम आए उससे पहले आप इन्फॉर्म्ड हो, आपको पता हो कि पढ़ना क्या है, क्यों लाखों लोग इसमें फॉर्म भरते हैं और क्यों लाखों लोग फेल भी होते हैं। मतलब सभी फेल नहीं होते, बट एक बड़ी परसेंटेज है जो फेल होती है, या मैं कहूँ 60-70% लोग अभी भी फेल ही होते हैं। तो समझते हैं एक एलिजिबिलिटी टेस्ट है, क्यों शुरू हुआ, क्या जरूरत पड़ गई, कब से शुरू हुआ, पहले क्या पैटर्न था, अभी क्या पैटर्न है, या फिर अगर मैं बात करूं यहाँ आपका मोड क्या है एग्जाम का अभी, और कौन सा एग्जाम ज्यादा जरूरी है। सारे अलग अलग स्टेट के टेट एग्जाम क्लियर करें अगर टीचर बनना है, या फिर एक ही एग्जाम दें, कौन दे सकता है एग्जाम, प्रेपरेशन कैसे करनी है, इसके बाद क्या कर सकते हैं और कब होगा एग्जाम, एक बड़ा क्वेश्चन, या अलग अलग टेट एग्जाम्स इस साल के कब होंगे। तो आते हैं फटाफट से, शुरू करते हैं कि सीटेट या टेट है क्या। अगर सीटेट की बात कर रहे हैं तो इसको हम केंद्रीय पात्रता परीक्षा कहते हैं, केंद्रीय शिक्षक पात्रता परीक्षा, यानी सेंट्रल टीचर्स एलिजिबिलिटी टेस्ट। और अगर हम बात करते हैं टेट्स की, यानी एसटेट भी कह देते हैं, यानी टीचर एलिजिबिलिटी टेस्ट। शिक्षा जो है कॉन्करेंट लिस्ट में है, जो एजुकेशन है हमारी वो समवर्ती सूची में है, जिसमें सेंटर और स्टेट दोनों का अधिकार होता है। तो अगर हम बात करते हैं तो दो तरह के एग्जाम टेट के होते हैं। एक सेंट्रल का एग्जाम है जो पूरे देश में लगभग हर एक स्टेट में लागू हो जाएगा, कि अगर आपने सिर्फ सीटेट किया हुआ है तो आप देश भर में शिक्षक बनने के लिए एलिजिबल हो जाते हैं। अगर हम बात करते हैं टेट की या एसटेट की, स्टेट टेट एग्जाम की, तो ये क्या है भाई, अलग अलग राज्य हैं, चाहे वो उत्तर प्रदेश हो, चाहे वो आपका बिहार हो, चाहे वो उड़ीसा हो, चाहे वो अलग अलग आपके जो स्टेट्स हैं उनके लिए भी अलग से एग्जाम होता है, चाहे वो तमिलनाडु हो, है ना। तो ये आपके स्टेट टेट होते हैं। कब से शुरुआत हुई और क्या इसकी जरूरत पड़ गई, क्या इससे नौकरी मिलती है, तो नौकरी इससे नहीं मिलती। नौकरी के लिए आपको अलग से एग्जाम देना पड़ेगा, या जो भी आपके राज्य में या केंद्र में तरीका है वो अपनाना पड़ेगा। तो इसका फायदा क्या है, या ये है क्या, क्यों शुरू हुआ। बेसिकली अगर हम टेट एग्जाम की बात करते हैं तो ये एक क्वालिफाइंग एग्जाम है, यानी आप क्या करेंगे इसमें अगर क्वालिफाई हो जाते हैं। 2011 से इसकी शुरुआत की गई थी और उसका रीजन ये था कि आपको एक फिल्टर लग जाए। सीटेट या टेट की अगर हम बात करते हैं तो आपकी जो वैलिडिटी है वो लाइफ टाइम है आज की डेट में देश भर में। अगर आपने एक बार एग्जाम दिया तो आप जीवन भर के लिए आपको दोबारा टेट देने की जरूरत नहीं है। और उसमें भी अगर आपने सीटेट क्लियर कर लिया तो लगभग हर एक स्टेट में सीटेट मान्य हो जाता है, आपको अलग अलग स्टेट का टेट एग्जाम क्लियर करने की जरूरत नहीं है। सीटेट आपकी जो भी केंद्र की जितनी भी भर्ती है, चाहे वो केंद्रीय विद्यालय हो, चाहे दिल्ली में जो जॉब्स होती हैं टीचिंग की, और स्टेट की अगर हम बात करते हैं तो मान लीजिए उत्तर प्रदेश में कोई भर्ती निकली है तो वहां का यूपी टेट आपने किया हुआ हो। तो कुल मिला के अगर सीटेट की वेटेज या इंपॉर्टेंस यहाँ ज्यादा है, क्योंकि अगर सीटेट आपने किया है तो लगभग हर एक राज्य सेंट्रल टीचर्स एलिजिबिलिटी टेस्ट को मानता है। ठीक, समझते हैं कौन लोग इसको दे सकते हैं, क्या कहानी है। सीटेट और स्टेट टेट की अगर हम बात करें तो इसको क्लियर करके आप किन टीचिंग पोस्ट के लिए एलिजिबल होते हैं ये समझना जरूरी है। तो सीटेट की जब हम बात करते हैं तो हम कहते हैं कि ये लेवल वन और लेवल टू, या कोई भी टेट जो है वो लेवल वन और लेवल टू के लिए होता है। लेवल वन और लेवल टू क्या है, यानी पेपर वन और पेपर टू क्या है। बेसिकली अगर आपको प्राइमरी शिक्षक बनना है या शिक्षिका बनना है, पीआरटी जिसको हम कहते हैं, तो आपको लेवल वन देना होगा। अगर आपको ट्रेंड ग्रेजुएट टीचर यानी टीजीटी बनना है तो आपको लेवल टू देना होगा, यानी आपको 1 से 5 तक के लिए टीचर बनना है, क्लास 1 to 5, तो प्राइमरी टीचर लेवल वन, और लेवल टू आपको टीजीटी यानी 6th to 8th तक जाना है, तो आप बेसिकली टीजीटी का एग्जाम देंगे। तो लेवल वन लेवल टू आप दोनों भी दे सकते हैं, अगर आपने जो भी एलिजिबिलिटी है उस पर भी चर्चा करने वाले हैं। तो समझते हैं, लेक्चरर जो 11th 12th की पोस्ट होती है अभी वहां टेट एग्जाम की जरूरत नहीं होती, और लेवल वन लेवल टू के लिए ही ये है। देखेंगे एक बार फटाफट से एग्जाम कब से शुरू हुआ। तो एग्जाम शुरू हुआ आपका 2011 से आपके ये टेट एग्जाम शुरू हुए, चाहे वो सीटेट हो या बाकी स्टेट में होने वाले टेट एग्जाम हो। क्यों शुरू हुए, जरूरत क्या पड़ गई, जरूरत पड़ी एक फिल्टर की, कि भाई हो सकता है इधर उधर से आपने कोई डिग्री की, डिप्लोमा किया टीचिंग का, या जैसे भी किया और आपने ध्यान से नहीं किया उसको, तो आप कितने ट्रेंड हैं, आपको उस डिप्लोमा या डिग्री की कितनी नॉलेज है, वो फिल्टर लगाना आवश्यक हो गया। कि एक फिल्टर से क्या होगा, मान लीजिए 10 लाख लोग 20 लाख लोग एग्जाम दे रहे हैं किसी टेट में, तो आप बेसिकली बेसिक नॉलेज आपको पेडागॉजी की है कि नहीं है, यही इसमें चेक किया जाता है कि आपको पढ़ाना आता है कि नहीं आता, बेसिक समझ है कि नहीं है। तो ये फिल्टर के लिए है, जिसके बाद इससे कोई नौकरी नहीं मिलती, बट ये अगर आपने क्वालिफाई कर लिया, ज्यादातर ये एग्जाम्स क्वालिफाइंग है, इनमें कोई बहुत ज्यादा कॉम्पिटिशन नहीं है, बट हम कह सकते हैं कि ये क्वालिफाइंग है जिसमें बहुत ज्यादा लोग फेल होते हैं। फिर भी मान लीजिए अगर 150 नंबर का पेपर है तो अगर आप 90 नंबर ला रहे हैं तो आप क्वालिफाइड हैं, आपके पास सर्टिफिकेट होगा, आप उसको प्राइवेट स्कूल में यूज कीजिए, आप उसको गवर्नमेंट स्कूल में यूज कीजिए, बेसिकली गवर्नमेंट एग्जाम देने के लिए वो आपके हाथ में है। ठीक, तो जरूरत पड़ी इसलिए कि फिल्टर, या हमारे पास ज्यादा बेहतर शिक्षक हो या ज्यादा बेहतर शिक्षिकाएं हो, एक तरह से टीचर्स हमारे थोड़े और ट्रेंड या बेहतर निकल करके आए, क्रीम हमारे हाथ में आ जाए, और जो भी
ऐसे लोग हैं जो योग्य नहीं है, वो पहले ही छट जाएं टेट एग्जाम में ही। और कुल मिलाकर के अगर प्राइवेट स्कूल की भी हम बात कर रहे हैं, तो हमारे पास अगर टेट क्वालिफाइड टीचर्स हैं तो हम मानेंगे कि वो उन्होंने थोड़ी पढ़ाई ज्यादा अच्छे से की होगी, या फिर वो ज्यादा समझते हैं टीचिंग प्रोफेशन को। तो ये फिल्टर का काम करता है एक तरह से। 2011 से शुरुआत हुई, चाहे वो सी टेट हो चाहे वो आपका अलग अलग स्टेट के टेट एग्जाम्स हो। चलिए आगे करते हैं बात। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है पैटर्न क्या है। नेक्स्ट एक क्वेश्चन आता है कि पैटर्न क्या है। पहले ये एग्जाम जो होता था, मान लीजिए सी टेट की हम बात कर रहे हैं, तो 1.5 घंटे का पेपर होता था शुरुआत में, 1.5 आवर, जो कि अपने आप में मुश्किल था। 1-2% रिजल्ट, 5% रिजल्ट, इस तरह का रिजल्ट था। और ये 150 नंबर का पेपर होता था और इसमें अलग अलग सब्जेक्ट्स आपके आते थे। बट ये पैटर्न 2012-13 के आसपास आते आते चेंज हुआ और ज्यादातर जो टेट एग्जाम्स हैं वो 2.5 घंटे के एग्जाम्स हैं आज की डेट में, यानी 2.5 आवर्स। नेगेटिव मार्किंग इनमें होती नहीं है, या चाहे वो सीटेट हो चाहे वो टेट हो। सीटेट की बात करेंगे स्पेसिफिकली, तो 2.5 घंटे का पेपर है, यानी 150 मिनट है और 150 ही क्वेश्चंस हैं, यानी एमसीक्यू बेस्ड, बहुविकल्पीय प्रश्न आपके सामने आते हैं। नो नेगेटिव मार्किंग, नेगेटिव मार्किंग आपकी होती नहीं है। ऐसा नहीं होगा कि आपके नंबर कटे अगर क्वेश्चन आपने गलत किया है तो। ठीक, अलग अलग सब्जेक्ट होते हैं, जैसे कि अगर हम बात कर रहे हैं सीटेट की, तो मैथ्स है, मैथ्स में भी 15 नंबर की पेडागॉजी, 15 नंबर का आपका सब्जेक्ट आएगा। फिर ईवीएस है, हिंदी है, इंग्लिश है, CDP यानी बाल विकास है। ये 5 सब्जेक्ट होते हैं पेपर 1 में और 4 सब्जेक्ट होते हैं पेपर 2 के अंदर। क्या पढ़े सबसे ज्यादा जरूरी है? NCERT पढ़ना। चलिए, ये बात हुई किसकी? पैटर्न की। 2.5 घंटे का पेपर, देशभर में ज्यादा टेट एग्जाम्स में ये चीज फॉलो होती है। 150 मिनट, 150 क्वेश्चन, नो नेगेटिव मार्किंग। अभी अगर हम बात करते हैं तो मोड क्या है एग्जाम का, तो एग्जाम का मोड है ऑनलाइन। अगर हम सीटेट की बात करें तो सीटेट पहला टेट एग्जाम है एक तरह से जो ऑनलाइन हुआ है। अगर हम बात करें सीटेट 2021 की, तो ये ऑनलाइन एग्जाम कंडक्ट हुआ दिसंबर 2021 और जनवरी 2022 के अंदर। ये आपको पेपर्स जो है वो वेबसाइट पे मिल जाएंगे सीटेट की, CTET.NIC.IN, मैं आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूंगी। तो अभी ऑनलाइन है मोड, यानी आप कंप्यूटर पर बैठ करके पेपर दे करके आएंगे 150 नंबर का, जिसमें नेगेटिव मार्किंग नहीं होती। अगर हम बात करते हैं बाकी एग्जाम्स की, ये है सिर्फ सीटेट के लिए। अभी बाकी अदर स्टेट्स में अगर हम देखते हैं, चाहे वो यूपी टेट हो, है ना, चाहे वो फिर तमिलनाडु टेट हो, चाहे फिर अगर हम बात करते हैं किसकी, अदर स्टेट्स की, जैसे वो BS टेट हो सकता है, है ना, एच टेट हो सकता है, रीट हो सकता है। ठीक, तो अगर हम बात करें यहाँ, तो ये सारे एग्जाम्स अभी भी ऑफलाइन हैं, यानी आप OMR शीट भरते हैं और ऑफलाइन पेपर दे करके आते हैं। बट ऑनलाइन क्या हो गया? सीटेट हो गया ऑनलाइन। ठीक है, सिलेबस में कोई खास परिवर्तन हुआ नहीं है, बट ऑनलाइन हो गया पेपर। ठीक, तो हमें आगे ऑनलाइन की ही तैयारी करनी है फ्यूचर में, बाकी एग्जाम सभी ऑफलाइन है सीटेट को छोड़ करके। सीटेट हमारा ऑनलाइन है, राइट। चलिए, ये हुई बात मोड की। अब दे कौन सकता है? कई लोगों को लगता है यार, मैंने MA किया है, BA किया है, 12th किया है, क्या मैं भी सीटेट दे सकता हूँ, CTET जिसको हम कह रहे हैं, टेट एग्जाम। देखिए, टेट एग्जाम कोई भी नहीं दे सकता। ऐसा नहीं हो सकता कि आपने कोई भी अपनी एकेडमिक्स की पढ़ाई की हो। एकेडमिक्स क्या है? एकेडमिक्स आपका 10th 12th हो सकता है, ग्रेजुएशन हो सकती है, पोस्ट ग्रेजुएशन हो सकती है। तो आप अपनी MA BA 10th 12th ये सब करके टेट नहीं दे सकते। क्यों? क्योंकि ये टीचर्स एलिजिबिलिटी टेस्ट है। अगर आपने कोई प्रोफेशनल ट्रेनिंग नहीं ली हुई टीचिंग की, तो आप टेट नहीं दे सकते। मतलब आपने या तो डिप्लोमा टीचिंग में, या तो कोई डिप्लोमा, चाहे वो ETE हो, चाहे वो जिसको हम 12th के बाद बोलते हैं कि किया जाता है, चाहे वो आपका JBT हो, BTC हो, जिसको इवेंचुअली DLED ही बना दिया गया। और अगर हम बात करें, अलग अलग स्टेट में अलग अलग डिप्लोमा होते हैं टीचिंग को लेकर के, तो या तो आपने डिप्लोमा किया होगा तो आप लेवल 1 के लिए प्राइमरी टीचर के लिए एलिजिबल होंगे, सीटेट दे पाएंगे, या फिर आपके पास डिग्री हो। अब डिग्री क्या है? BEd हो सकती है, BLED हो सकती है, BA BEd, इस तरह के भी कुछ इंटीग्रेटेड कोर्सेज होते हैं, उसके बाद आप ये दे पाएंगे एग्जाम। या उसके सेकेंड ईयर में, जो भी आपका डिप्लोमा या डिग्री का सेकेंड ईयर होगा या फाइनल ईयर होगा, अगर मैं कहूं सेकंड ईयर भी कहना गलत होगा क्योंकि कई कोर्स हैं जो 4 साल के हैं, जो भी फाइनल ईयर है आपका, वहां आप अपीयरिंग में अप्लाई कर सकते हैं, उसके बाद भी दे सकते हैं। तो बिना प्रोफेशनल डिग्री या डिप्लोमा के आप सीटेट नहीं दे सकते। आपके पास या तो एक डिग्री या डिप्लोमा टीचिंग का होना चाहिए। आप डायरेक्ट निकल करके अपने मास्टर्स से, या फिर अगर हम बात कर रहे हैं ग्रेजुएशन से या 12th से, सीटेट नहीं दे सकते। सीटेट के लिए आपका डिप्लोमा डिग्री करना जरूरी है, यानी BEd या BLED, या फिर कोई भी ट्रेनिंग आपने की हो, DLED किया हो, डिप्लोमा इन एलिमेंट्री एजुकेशन बोलते हैं, मतलब आपकी ट्रेनिंग होना जरूरी है, उसके बाद ही आप टेट देने के लिए एलिजिबल होते हैं। आगे बढ़ते हैं, कैसे आप प्रिपेयर करें? तो सबसे बेहतर तरीका तो ये है कि आप NCERTs पढ़ें, जो बुक्स हैं आपके NCERTs जो स्कूल में चलती हैं, उनकी समरी पढ़ें, उनको प्रॉपर एक एक बुक पढ़ लीजिए, 6th 7th 8th
तक की ही बुक्स आती हैं, अगर हम दोनों ही लेवल को मिला लें तो। फर्स्ट टू फाइव की बुक काम की होंगी पेपर वन के लिए, और सिक्स टू एट की काम की होंगी बुक्स पेपर टू के लिए। एनसीईआरटीज हो गई या एससीईआरटीज बोलते हैं कि अलग अलग स्टेट का, मान लीजिए आप सीटेट नहीं दे रहे हैं, आप दे रहे हैं यूपी टेट का एग्जाम, तो आपने यूपी में जो स्कूल्स में बुक चलती है उनको स्टेट काउंसिल ऑफ एजुकेशनल रिसर्च ट्रेनिंग बोलते हैं, मतलब एससीईआरटीज, यानी उस स्टेट में जो किताबें चलती हैं वो आप पढ़ें। मतलब जो स्कूल में जिनको आप पढ़ाने जा रहे हैं, चाहे वो फर्स्ट टू फिफ्थ का पेपर दे रहे हैं अगर लेवल वन, तो वो पढ़िए अगर सीटेट के लिए जा रहे हैं। अगर किसी स्टेट में जो किताबें चलती हैं उस पेपर के लिए जा रहे हैं, तो उस स्टेट की किताबें पढ़ के जाइए, सिंपली जाकर के ले लीजिए, या ऑनलाइन वेबसाइट्स पे भी एनसीईआरटीज आपकी फ्री में उपलब्ध होती हैं। ठीक है, इतनी बात क्लियर है। बिना एनसीईआरटीज के दिक्कत होगी आपको, इससे आपको पेडागॉजी भी समझ में आ जाएगी कि कैसे सिखाएंगे। तो सबसे की पॉइंट तो यही रहेगा। दूसरा एक की पॉइंट इस चीज में रहता है पेडागॉजी। जब भी आप टेट एग्जाम की बात करेंगे, पेडागॉजी यानी चाइल्ड डेवलपमेंट कह लीजिए, बाल विकास एवं शिक्षण शास्त्र, ये आपका सब्जेक्ट बहुत अच्छे से तैयार होना चाहिए। इसके लिए आप मेरे मैराथन सेशंस देख सकते हैं यूट्यूब पे ही फ्री में, स्ट्रेटजी वीडियोस मैंने अलग अलग टेट पे बनाई हुई हैं, प्रीवियस ईयर पेपर आप देख सकते हैं, है ना। ये एनसीईआरटीज प्लस एससीईआरटीज प्लस प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस, जो आपको किसी भी के भी, या तो आप कोई भी बुक ले लीजिए, या फिर आप क्या कर लीजिए, कोई भी वेबसाइट से डाउनलोड कर लीजिए, जो भी सीटेट या किसी भी स्टेट टेट की वेबसाइट है। ये पेडागॉजी आपको तैयार करनी पड़ेगी, जिसको चाइल्ड डेवलपमेंट एंड पेडागॉजी सीडीपी कहते हैं। ठीक है, इतनी बात होपफुली आपको क्लियर हो गई होगी कि बेसिक अगर आपको आज से तैयारी शुरू करनी है, एनसीईआरटीज हम पढ़ेंगे, पुराने पेपर करेंगे, और एटलीस्ट 5 साल के पुराने कर लीजिए। ऐसा नहीं है कि अब आप 2011 से लेके बैठे, काफी पैटर्न में चेंज आ गया है, वो काम के नहीं है। और ऑनलाइन जो एग्जाम हुए हैं वो तो रिसेंट वाले तो देखने ही होते हैं, बहुत क्वेश्चन रिपीट होते हैं लगभग हर टेट एग्जाम में। तो पेडागॉजी हमें अच्छी करनी है, एनसीईआरटीज पढ़नी है अलग अलग सब्जेक्ट की, और प्रीवियस ईयर क्वेश्चन करने हैं। ठीक है, इतनी बात, कोई दिक्कत इस बात को समझने में नहीं होनी चाहिए। जब आप टेट क्वालिफाई कर लें, किसी भी टेट में मान लीजिए 150 नंबर का पेपर है, ज्यादातर टेट एग्जाम्स 150 मार्क्स के हैं, इसमें से अगर आप 90 मार्क्स ले आते हैं तो उसके बाद आप हो गए क्वालिफाइड, मतलब आपका टिक लग गया कि आपने क्या कर लिया, ये पेपर पास कर लिया, अब आपको ये दोबारा जीवन में देने की जरूरत नहीं है। स्कोर उतना ज्यादा कुछ खास मैटर करता नहीं है, या कहीं भी नहीं करता, प्राइवेट स्कूल में एक बार को कर सकता है, गवर्नमेंट एग्जाम के लिए नहीं करता। इसके बाद आपके पास रहते हैं दो ऑप्शन, या तो आप प्राइवेट स्कूल में जाकर के इंटरव्यू दें और दिखाएं कि देखिए आपने टेट क्वालिफाई किया हुआ है, या फिर आप गवर्नमेंट स्कूल में जाकर के इंटरव्यू दें। ठीक है, अब बीच का रास्ता ये हो सकता है कि प्राइवेट या फिर एडेड भी कुछ स्कूल्स होते हैं जो गवर्नमेंट में, प्राइवेट हो गए, एडेड हो गए, गवर्नमेंट प्लस प्राइवेट जिनको हम एडेड कह रहे हैं, और इसमें के साथ साथ कॉन्ट्रैक्चुअल जॉब्स भी निकलती हैं, चाहे वो केंद्रीय विद्यालय हो, चाहे वो दिल्ली गवर्नमेंट के स्कूल्स हो, वहां पे कॉन्ट्रैक्ट में वैकेंसीज निकलती हैं, जहां पे आपका टेट वगैरह या पूरी परसेंटेज लगाई जाएगी, तब आपको नौकरी मिलेगी। तो आपने अगर टेट क्वालिफाई कर लिया है तो नौकरी तो इससे नहीं मिलेगी, बट बिना इसके नौकरी भी नहीं मिलेगी। तो कई लोगों को लगता है कि क्या करें, टेट कर चुके हैं, सी टेट कर चुके हैं, सब क्वालिफाइड हैं, बट जॉब नहीं है। बट अगर आपका ये क्वालिफाइड नहीं होगा, अगर आप क्वालिफाई नहीं कर पाए होंगे, तो जब भी पेपर आएगा गवर्नमेंट में भी, नौकरी उसके बिना नहीं मिलेगी। प्राइवेट में कुछ जगह पे मिल सकती है, बट धीरे धीरे गवर्नमेंट उस तरफ जा रही है कि बिना टेट के किसी को नौकरी ना मिले, कोई भी शिक्षक या शिक्षिका ना बने। तो प्राइवेट स्कूल में आप अप्लाई करेंगे, वहां आपका इंटरव्यू होगा, या जो भी उनकी सिलेक्शन प्रोसेस है वो चीज आपके काम आएगी अगर आपका अच्छा स्कोर है। स्कोर बढ़ाने के लिए आप मल्टीपल टाइम एग्जाम दे सकते हैं, और ऐसा नहीं है कि आप किसी बार फेल हो जाते हैं, तो जिस भी एग्जाम को आप लगाना चाह रहे हैं, जो भी आपका हाईएस्ट स्कोर रहा हो, वो सर्टिफिकेट आप लगा सकते हैं, ऑनलाइन सर्टिफिकेट आता है। गवर्नमेंट स्कूल की अगर हम बात करें, तो गवर्नमेंट स्कूल के लिए अलग अलग एजेंसीज हैं, चाहे वो केंद्रीय विद्यालय हो, चाहे वो दिल्ली सबऑर्डिनेट सर्विसेज सिलेक्शन बोर्ड हो, चाहे वो सुपर टेट जो यूपी गवर्नमेंट निकालती है वैकेंसी, अलग अलग स्टेट में वैकेंसीज निकलती रहती हैं, और चाहे वो नवोदय विद्यालय हों, चाहे वो एटॉमिक एनर्जी के स्कूल्स हों, चंडीगढ़ गवर्नमेंट के स्कूल्स हों, तो अलग अलग जगह पे गवर्नमेंट वैकेंसी निकालती है। आपको वो पेपर देना होता है, अगर पेपर के बाद इंटरव्यू है तो वो इंटरव्यू आप देंगे, नहीं तो कई जगह पे या ज्यादातर जगह पे आप एक पेपर देंगे, उसमें आप मेरिट में अगर आ जाते हैं तो आप क्या हो जाएंगे, बेसिकली आपको जॉब मिल जाएगी। तो ये तरीका है किसके बाद, सीटेट या टेट के बाद। तो होपफुली आपको ये वीडियो ने हेल्प की होगी पूरी कहानी समझने में कि ये टेट और सीटेट है क्या, और किस तरह से आपको हेल्प करेगा। एक सीढ़ी है बेसिकली, अगर हम सीटेट और टेट की बात करें, तो एक सीढ़ी है आपकी जॉब तक पहुंचने की, बिना इसके हो नहीं पाएगा, है ना। अगर हम टेट या सीटेट की बात करें, तो स्टेयर्स हैं जो आपको लेनी ही पड़ेंगी, जिनको जिसको क्वालिफाई आपको करना ही होगा, और इसकी जो समझ है टेट और सीटेट में जो आपने पढ़ा होगा, वो जॉब वाले एग्जाम में भी आपको हेल्प करेगी फॉर श्योर। कब होगा एग्जाम, तो सेकेंड हाफ में अब हम कह सकते हैं, यानी जुलाई से दिसंबर के बीच में हमें कुछ एग्जाम्स देखने को मिलेंगे, चाहे वो यूपी टेट का अनाउंसमेंट हो, चाहे वो सीटेट का अनाउंसमेंट हो, है ना, चाहे वो बाकी
एग्जाम्स का अनाउंसमेंट हो, तो एसटेट हो, इन सब की आप तैयारी अपनी शुरू कीजिए. और साल के अंत में चाहे वो दिसंबर हो, जनवरी हो, नवंबर हो, नवंबर से शुरू हो जाते हैं बहुत सारे एग्जाम और होते ही हैं. पहले सीटेट साल में दो बार होता था, अभी एक ही बार हो रहा है. यही हालत है यूपीटेट की. तो जब भी मौका मिले उसको क्वालिफाई करके रख लीजिए. तो होपफुली आपको ये वीडियो पसंद आया होगा. वीडियो पसंद आया हो तो लाइक शेयर सब्सक्राइब कर दीजिएगा. कॉमेंट सेक्शन में कोई भी इसके अलावा डाउट रह गया हो तो आप कॉमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं. थैंक यू सो मच. आज के लिए इतना ही.